नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। और बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे यादव राजनीति का गणित। जी हाँ, बिहार की सियासत में यादव सबसे अहम माने जाते हैं, जिसके चलते आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी तक यादवों को अपने अपने हिसाब से साधने की कवायद करते हैं। बिहार में हर चौथा विधायक यादव समुदाय से है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत का आकलन आसानी से किया जा सकता है। सूबे का 16% यादव समुदाय आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस पर एनडीए से लेकर पप्पू यादव तक की नजर है। ऐसे में देखना है कि यादव समुदाय इस बार किसकी चुनावी नैया पार लगाता है। रिपोर्ट देखिए। जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव बिहार के करिश्माई नेता बनकर उभरे थे। सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने पिछड़ों, दलितों, शोषितों को समाज की पहली पंक्ति में बैठाने का काम किया। लालू से पहले भी बिहार में कई यादव समुदाय के नेताओं ने सत्ता की कमान संभाली, लेकिन यादव समुदाय के दिल में अपनी जगह नहीं बना सके। मां गठबंधन के लिए यादव सबसे महत्वपूर्ण जाति के तौर पर हैं, और यादवों को लेकर सबसे बड़ा संशय इसी बात को लेकर है कि जितना खुलकर वे लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहा करते थे, क्या उसी तरह तेजस्वी यादव के साथ भी उसी मजबूती के साथ देंगे। बिहार में यादव मतदाता 16% के करीब है। यादव आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। लालू के स्मूल वोट बैंक यादव समुदाय पर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक की नजर है। साल 2000 में बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जो 2005 में 54 हो गई थी। 2010 में संख्या घटकर 39 पर आ गई थी, लेकिन 2015 में बढ़कर 61 पहुंच गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 48 सीटों पर यादव को टिकट दिए थे। इनमें से 42 जीतने में सफल रहे थे। अति पिछड़ों को गोलबंद पर नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब हुए थे। यादव राजनीति को बैलेंस करने के लिए 101 सीटों पर लड़ी जेडीयू ने भी 12 टिकट यादव को दिए थे, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 41 सीटों में से 4 पर यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी 2015 में चुनाव में यादव राजनीति को साधने की कोशिश की थी। एनडीए ने कुल 26 यादव प्रत्याशियों को उतारा था, जिनमें 22 बीजेपी, 2 एलजीपी और 2 माझी की पार्टी हम की ओर से थे। बीजेपी से 6 विधायक जीत कर आए थे, और ऐसे में बीजेपी से लेकर नीतीश तक अपने यादव नेताओं को आगे कर आरजेडी के परंपरागत वोट में सेंधमारी करने की जुगत लगा रहे हैं। बिहार की सियासत में यादवों पर इतनी बात इसलिए हो रही है कि एनडीए को पता है कि यदि मुस्लिम और यादव समूह में सेंधमारी हो गई या बिखर गया, तो फिर उनके लिए जीत की राह आसान होगी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर वे यादव मतदाताओं को नहीं संभाल सके, तो फिर पिता की विरासत बिखर जाएगी, क्योंकि लालू इसी कोर जनाधार को अपने पाले में लाकर बिहार के बेताज बादशाह बने थे, जिसे संभालने की चुनौती उनके कंधों पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। बिहार में यादव वोट बैंक की जंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से 2005-2015 की तस्वीर साफ तौर पर हमने दिखाई, तो बिहार के दंगल में आज इसी पर बात करेंगे। यादव आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है, वोटर वोट बैंक यादव समुदाय पर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक की आपको बता दें नजर होती है। साल 2000 में बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जो 2005 में आपको बता दें 54 हो गई। 2010 में संख्या घटकर 39 हो गई, लेकिन 2015 में ये बढ़कर 61 पहुंची है। तो यादवों की भूमिका बिहार के चुनाव में काफी अहम मानी जाती है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और आज हम लोग यादवों को लेकर बात कर रहे हैं, और इस चुनाव की बात की जाए 2020 की, तो यादवों की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है, बताएं।
आयुष, आप पहले ये बिल्कुल आपने, मैं अभी सुन रहा था, एक पैकेज भी चल रहा था, ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार में यादवों की जो भूमिका है बिहार सरकार फॉर्मेशन को लेके, ये शुरू से ही बहुत ही निर्णायक है। शुरू से ही कि बिहार में एक मधेपुरा एक जगह है, आपने शायद नाम सुना होगा, तो उसके बारे में तो ये मशहूर है कि रोम है पोप का तो मधेपुरा है गोप का। दैट मीन्स वहां पे यादव की संख्या बहुत अच्छी है। वैसे तो यादव मतदाता की संख्या पूरे बिहार में है, लेकिन मधेपुरा में ऑलरेडी डोमिनेट करते हैं। जहां तक आपने ये बात कही यादव के लिए, बिल्कुल सही, मैं बता दूं आपको, ये एक वाकयात हुआ था। मैं एक विपक्षी दल के एक बहुत बड़े यादव नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा था अनौपचारिक बातचीत में कि सुजीत की बिहार में चाहे जो भी हो यादव, वो अगर कोई कारण है या कुछ भी है, या अगर किसी दल से जुड़े हुए हैं तो एडवांटेज लेना है तो वो उससे एडवांटेज ले लेंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उनका एक मुश्त तो नहीं करेंगे, लेकिन 95% वोट एक मुश्त लालू यादव के पक्ष में गिरता है। और ये बिल्कुल सही बात है। और इसी नब्ज को पकड़ने के लिए लालू यादव हमेशा से ही यादव वोटर्स को बहुत आगे करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आगे लेके चलते हैं। आपको मैं छोटा सा एक वो आंकड़ा देना चाहूंगा, 2015 में महागठबंधन को 43% वोट मिले थे टोटल, जिसमें से आरजेडी को लगभग 18.5% वोट मिले थे। और इन 18.5% वोट में भी वैसे वोटर की संख्या ज्यादा थी जो पहले नंबर पे जिनको यादव को रखा जा सकता है, उसके बाद से मुस्लिम वोटर थे, उसके बाद से बाकी सारे वोटर थे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यादव जो है वो लालू यादव को खुल के सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसीलिए सब पार्टियों की नजर, हर जितनी भी पार्टी है बिहार में, सबकी नजर जो है वो यादव वोटर पर लगी रहती है। आरिश, सही आपने कहा, हर पार्टी की नजर यादव वोटर पे लगी रहती है। और जैसा कि सुजीत जी आपने बात कही कि लालू यादव यादवों के नफ्स पकड़ने में बहुत माहिर थे, उनको पहली पंक्ति में भी जैसा कि आपने कहा के रखते थे। तेजस्वी यादव, क्या लगता है वो नफ्स पकड़ पा रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल जो है अभी थोड़ी सी इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जो पकड़ लालू संगठन से लेकर यादव पर थी, उसमें तेजस्वी को कहीं ना कहीं नो डाउट इनकी पकड़ है, लेकिन अनुभव की कमी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, जो सबको साथ लेके चलने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप केवल यादव को ही लेके चलेंगे तो जो आपके और भी जो कोर वोटर हैं या अदर जो भी जातियां हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, उनको भी मनाने के लिए आपको बहुत जुगत लगानी पड़ती है। इन सब चीजों में थोड़ी सी अनुभव की कमी जरूर लगती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन लालू यादव जैसा अगर बात करें, जो संगठन को लेकर चलना और साथ साथ जो कोर वोटर है उस पर अपनी पकड़ बना के रखना और उस पकड़ को वोट में तब्दील कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये कहीं ये लैक्स जो है वो तेजस्वी यादव में अभी दिख रही है। फ्यूचर का तो पता नहीं है कि वो अपने आप को किस तरीके से परिपक्व करेंगे, लेकिन लालू यादव से तेजस्वी की तुलना नहीं की जा सकती है। आरिज, सही, आपने लालू यादव से तेजस्वी यादव की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन इस बीच सुजीत जी, आप नीतीश कुमार का हम जिक्र करें तो, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में हमने देखा कई यादव विधायकों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, उस लिहाज से अगर चीजों को समझा जाए और देखा जाए तो कितना असर इस बार देखने को मिल सकता है? क्योंकि क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ है ये बहुत अहम माना जाता है, और अगर इसमें सेंधमारी करते हैं नीतीश कुमार तो ये इसका असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक समीकरण में मोटा मोटी मैं आपको देना चाहूंगा। बिहार की अगर बात करें तो 20% यहाँ अगड़ी जातियां हैं, जिसमें से राजपूत सबसे ज्यादा है, उसके बाद से ब्राह्मण और भूमिहार के बीच संख्या उसमें अच्छी खासी है। मुसलमान व दलित जो है 15% आते हैं, और ओबीसी 14% आते हैं, मुस्लिम मिला के आते हैं। अति पिछड़ा जो है, जो कि ऐसा माना जाता है और ये बहुत हद तक संभव भी है, जो वोट जो है वो अति पिछड़े जो है वो नीतीश कुमार की तरफ अपने वोट को कन्वर्ट करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अत्यंत और अति पिछड़ा अगर मिला दें तो 50% की संख्या उनकी हो जाती है। यहाँ पर जब नीतीश कुमार की भी नजर, नो डाउट जो है वो यादव वोट बैंक पर रहती है। नीतीश कुमार ने, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी बिहार की पार्टियां हैं वो यादव वोट बैंक पर नजर बनाकर रखती हैं, जिसका ये कारण है, जिसका ये फलाफल है कि जदयू भी ठीक ठाक संख्या में यादव वोटर को, सॉरी यादव जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारती है।
उद्देश्य यही होता है कि उनकी भी पकड़ जो है यादव मतदाताओं पर बनी रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यादव मतदाता पर उनकी पकड़ बनी रहेगी तो सरकार बनाने में जो भी यादव विधायक जीत के आएंगे उनकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। वही हाल बीजेपी का भी है, बीजेपी की भी जो पकड़ रहती है, बीजेपी यही, हालांकि बीजेपी को परंपरागत रूप से अगड़ों की पार्टी मानी जाती है और बनियों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीजेपी की भी कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर ये भी चॉइस रहती है कि वो भी यादव वोट बैंक पे अपनी पकड़ बना के रखें। आप अगर देखेंगे बीजेपी के कद्दावर नेताओं में अगर गिनती करें तो पटना सिटी से लगातार 20 या 25 साल से जीत के आ रहे हैं नंदकिशोर यादव जो है, ये बहुत बड़ा एक चेहरा बीजेपी के लिए माने जाते हैं, जो कि बिहार में कैबिनेट में लगातार वो अहम विभाग के मंत्री बने रहते हैं। तो बीजेपी की भी, बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो बीजेपी में हुकुमदेव नारायण यादव भी बहुत बड़े यादव नेता हैं, जो कि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी की भी यही कोशिश होती है कि यादव वोट जो भी है उनको भी एक साथ लेके चलने की कोशिश की जाए। अगड़े वोट बैंक तो बीजेपी के साथ तो ऑलरेडी है ही, लेकिन उनकी भी कोशिश होती है कि यादवों को भी साथ लेके चले ताकि उनके वोट बैंक में इजाफा हो। आरिश, साफ तौर पे तमाम पार्टियों की जैसा कि बात की जाए यादव वोट बैंक पे साफ तौर पे नजर होती है, लेकिन इस बीच सुजीत जी आप हाल फिलहाल या आज की हम बात करें, जिस तरह से एलजीपी का एनडीए से अलग होना और उसके बाद चिराग पासवान ने जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को जो है लेकर मुबारकबाद जो दी है साफ तौर पर, इसको किस तरह से देखा जाए? कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी दिलचस्प मोड़ आ गया है बिहार की राजनीति में। आरिज, मैं ये लगभग ठीक ठाक अच्छे खासे दिनों तक ये गुफ्तगू चली, थोड़ा सा तैयार थोड़ा सा मनुहार लग रहा था कि हम अब बात बन जाएगी, लेकिन अंततः बात बनते बनते कहां तक पहुंची ये हर किसी को पता चल गया है। चिराग ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी अदावत जो है वो जदयू से है, बीजेपी से नहीं है। मैं अभी आपको एक घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, चिराग पासवान ने अभी फिर जदयू के ऊपर करारा प्रहार किया है, उनका स्पष्ट इशारा जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई जदयू को वोट देता है तो वोट की बर्बादी है। तो ये स्पष्ट है कि वो बहुत ही आक्रामक रूप में है और उनका स्पष्ट इरादा है, वो अभी ये नहीं चाहते हैं कि एलजेपी जो है किसी क्षेत्र विशेष या किसी सीमा विशेष या किसी वोट बैंक विशेष तक रहे। उनकी एकमात्र कोशिश यही है कि लोजपा को भी बिल्कुल बड़े कैनवास पे लेके आया जाए, और जो वो समझते हैं कि ये कि अगर इस माहौल में अगर इस तरह का डिसीजन, अगर ये हालांकि ये रिस्की है, ये डिसीजन रिस्क टेकिंग डिसीजन है, ये अगर इस डिसीजन को लिया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको फलाफल देखने को मिले। बहरहाल जहां तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी का भी आप देख रहे हैं, तेजस्वी तो सीएम फेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, जीच बनी हुई है महागठबंधन में, आरजेडी की तरफ से वो सीएम फेस के लिए बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है उनको सीएम फेस, उनका बार बार कहना है कांग्रेस का सीएम फेस पर फैसला जो रिजल्ट के बाद तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि नए जो भी है, नई पीढ़ी के जो भी युवा नेता है, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी, सॉरी माफ कीजिएगा, चिराग पासवान उसमें कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ रहे हैं डिसीजन टेकिंग के मामले में। उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अभी रिजल्ट क्या होगा ये तो आगे पता लगेगा, फिलहाल किंग मेकर बनने की भूमिका की तरफ जैसा कि उनके पिता थे उस तरफ उसी उन्हीं की विरासत को एक तरह से देखा जाए तो आगे बढ़ा रहे हैं, और जो है साफ तौर पे फैसला लेने की जो पोजीशन होती है उसको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सुजीत जी, एक मैसेज देने की कोशिश करी है खासकर नीतीश कुमार को, साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यकाल में की चीजों को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश चिराग पासवान ने करी है कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ हैं भी लेकिन बात भी नहीं मान रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो डिसीजन है ये बहुत ही परिपक्व डिसीजन भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, और इन वक्त अगर विधानसभा चुनाव के वक्त अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाए तो इसका मतलब ये एकमात्र यही है कि यानी कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता कि रातों रात चार नेता बैठ गए और उन्होंने डिसीजन ले लिया, इसके पहले उन्होंने पूरी तरीके से देखा होगा कि हम 143 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं तो वो उन जगहों पे हमारे उम्मीदवार होंगे, उनका पोजीशन क्या होगा, वहाँ हमारा वोट कितना है, कितने परसेंट के वोट हमारे पास जा सकते हैं, और वो वोट जो है वो हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है, वो कैसे सीट में कन्वर्ट हो सकता है, इन सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल देखा होगा।
उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया होगा। लेकिन जहां तक चिराग का एक और डिसीजन है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे और जदयू के साथ हमारी अदावत रहेगी, ये कहीं ये जो है ये बिहार की राजनीति में बहुत ही मतलब चर्चा का विषय है। ये आज की तारीख में भी मैं भी आज कई लोगों से मिला था, आज मैं फील्ड में निकला था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि ये डिसीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके साथ तो हैं लेकिन इनके साथ नहीं रहेंगे, और इनके साथ यहाँ नहीं रहेंगे लेकिन केंद्र में रहेंगे। ये जो है ये राजनीति वाकई में किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब ये डिसीजन चिराग ने क्यों लिया है, किंग मेकर की भूमिका में अगर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा इतिहास पीछे देखना पड़ेगा। जब एलजीपी को एक वक्त ऐसा भी था कि 29 सीटें मिली हुई थी, विधायक उनके 29 विधायक उनके पास थे और उस वक्त सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी, लेकिन वो सत्ता मिलते मिलते हाथ से छिटक गई। शायद अब चिराग ये सोच रहे होंगे कि अब इसको एलजेपी को और बड़े कैनवास पे लेके आ जाए तो हार्ड डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने शायद यही कुछ सोच के अपना हार्ड डिसीजन लिया होगा। आरिज सही बात है, हार्ड डिसीजन लिया और इस फैसले को लेकर लोग पशुपेश में, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ के चिराग पासवान ने फैसला लिखा है। इसका भविष्य के घर में क्या चीज़ें छुपी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बिहार का दंगल जारी है। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यादव रणनीति पर हम साफ तौर पे बात भी कर रहे हैं, वोट बैंक पर भी हमने चर्चा करी, और क्या कुछ बिहार की सियासत में इस वक्त चल रहा है उसको सुजीत जी ने बाखूबी चीज़ों को बताया, और सीधे उन्हीं के पास। सुजीत जी, आप अगर हम बात कन्हैया कुमार की करें, युवा नेता है, उनको लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, बड़ी तादाद में जब वो कहीं बोलते हैं तो लोग जुटते भी हैं, कन्हैया कुमार की भूमिका क्या नज़र आ रही है इस चुनाव में? देखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। बेगूसराय से भी कुछ लोग मेरे मित्र हैं जो बिलोंग करते हैं, उनका जो कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, उनका ये कहना है कि भाषण देने की कला अलग होती है और उस भाषण को वोट में तब्दील कर देने की बात अलग होती है। आप तो पूरे विधानसभा चुनाव का जो भी चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें कन्हैया कहीं नहीं है। अगर आते, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में बहुत दमखम के साथ उतरे थे, उनके लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि वो भीड़ इकट्ठा करने में वाक्पटुता के धनी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, तार्किक रूप से भी बातों को रखते हैं, लेकिन वो अगर यहाँ आते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो माहौल अलग देखने को मिलता है। जो उनकी विशेष पार्टी है, जो उनके कैडर वोटर हैं, उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखते हैं और दोस्त भरते हैं, लेकिन उसमें नई पीढ़ी के जितने भी आज के तारीख में जो बिहार से बिलोंग करने वाले नेता हैं वो तो खुल के सामने फिलहाल तो दिख रहे हैं, लेकिन कन्हैया अगर अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये बात अलग है कि आज के बाद से उनकी पार्टी अगर कोई उनका कुछ प्रोग्राम बनाए, वर्चुअल रैली का कुछ ऐसा करे तो हो सकता है कि कुछ बात बने, लेकिन कन्हैया ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि वो वाक्पटुता के धनी है, तार्किक रूप से अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को बांधने में मजबूर करते हैं, लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर वो कन्वर्ट होता तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग होती। सही कहा सुजीत जी। अब आने वाले घंटे जिस तरीके से बिहार की सियासत को हम देखा जाए, क्योंकि हर कुछ घंटों में कुछ ना कुछ बिहार की सियासत में नया देखने को मिलता है, चाहे हम एनडीए की बात कर ले या फिर हम बात महागठबंधन की कर ले, आने वाले समय में आप क्या कुछ बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए आरी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो भी बड़े दल हैं बिहार में, उसमें से जदयू और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से अभी तक की अभी तक खबर आ रही है, औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। और ये मुझे लगता है कि औपचारिक ऐलान भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आरी, आप देख सकते हैं पहले चरण का जो नामांकन भरना है उसके लिए बहुत सीमित वक्त बचा हुआ है। पशुपेश में है यहाँ के जो भी पार्टी के नेता हैं, जिनका अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो पशुपेश में है। सूचना ये भी हम लोगों को मिली थी कि सीटिंग कई विधायक हैं बीजेपी की तरफ से, उनके टिकट भी कट रहे हैं। औपचारिक ऐलान होने के बाद सही तस्वीर क्लियर हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी उम्मीदवार को वक्त कम मिलता है अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो वो तब तक पशुपेश में पड़ रहता है कि क्या पता उसे टिकट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से वो तैयारी नहीं कर पाता है, लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाता है। और आप सबको पता है कि कोरोना को लेकर रैली की रैली से लोग अभी थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, वर्चुअल रैली पर ही जोर दे रहे हैं। तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। मैं आपको इसी यहाँ और जिक्र करना चाहूंगा, अभी दो तीन दिन पहले जिन्होंने मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं प्रमुख हैं, जिन्होंने महागठबंधन को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही छोड़ दिया था, वो फिर कल रात में अचानक वो दिल्ली निकल गए। आज की तारीख में हमारे पास ये सूचना थी कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, और ये भी सूचना आई कि हो सकता है कि उनको बीजेपी अपने कोटे से सीट दे। तो ये जो तस्वीर जो है बहुत तेजी से बन रही है, बिगड़ रही है, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर तब अब सामने आएगी, क्योंकि जब सीटों की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि तस्वीर ज्यादा साफ रहेगी। लेकिन तस्वीर जो है ये किसी भी तरह से एक हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कि कल क्या होने वाला है बिहार में, क्योंकि बिहार का चुनाव वैसे भी काफी दिलचस्प रहता है, इस साल तो और दिलचस्प, इस बार तो और दिलचस्प हो गया है। आरिफ, आपने कहा, और इस बीच जैसा कि सुजीत जी ने जानकारी दी और ये खबरें भी हैं कि वीआईपी सुप्रीमो एनडीए के कहीं ना कहीं संपर्क में, हो सकता है कुछ भी अगले 24 घंटे में देखने को फिलहाल मिल सकता है। फिलहाल सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बिहार की सियासत को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो यादव, वोट बैंक को लेकर हमने साफ तौर पर बात करी, और बिहार की बात की जाए तो हर कुछ घंटों में बिहार की सियासत में जो तब्दीली महसूस की जा रही है, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार।